हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है गैस लिक्विड मास ट्रांसफ़र। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम गेट की बात करते हैं तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में हम इसमें एक फॉर्मूला बताने वाले हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं गेट में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए गैस लिक्विड मास ट्रांसफ़र की। अब समझने की कोशिश करिए कि अगर गैस लिक्विड मास ट्रांसफ़र की मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास एक सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र होता है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है गैस लिक्विड मास ट्रांसफ़र का। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, गैस फेज से लिक्विड फेज में, गैस फेज से लिक्विड फेज में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो गैसियस है, और इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ किया जाता है। सपोज़ करिए ऑक्सीजन जो है वो बबल के अंदर रहती है, ठीक है, और बबल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे, न्यूट्रिएंट मीडिया में, या मीडिया में जिसमें सेल्स ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोल रहा हूँ गैस फेज से लिक्विड फेज में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब अगर इसका उपयोग देखा जाए तो आपको आइडिया होगा कि एरोबिक फर्मेंटेशन के बारे में मैंने बताया था। अब एरोबिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम बैक्टीरिया या माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है, वो एरोबिक है, तो मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, ऑक्सीजन को यूज़ करके ही प्रोडक्ट बना सकता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करना आवश्यक है। तो ऑक्सीजन की अगर रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास क्या चीज़ है इसको पूरा करने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसको बोल रहे हैं स्पार्जर। स्ट्रक्चर भी देखा होगा आपने स्पार्जर का, मैंने सिखाया भी था। इस तरीके का नीचे इस तरीके का स्ट्रक्चर मौजूद रहता है फर्मेंटर में, जिससे कि क्या होते हैं, बबल्स जो हैं वो ऊपर उठते रहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया बबल्स में ही ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसी ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना होता है कहाँ से कहाँ तक, आपके गैसियस फेज से लिक्विड फेज के अंदर, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र करना रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक ऑक्सीजन जो बबल से निकल करके बाहर जब तक वो मीडिया के अंदर नहीं आएगी, तब तक सेल्स जो हैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सेल्स मीडिया के अंदर रहते हैं तो वो मीडिया के अंदर से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमें देखिए पता लगाना ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बबल्स के अंदर कितना ऑक्सीजन सप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि ऑक्सीजन जो है सेल्स के अंदर कितनी पहुंच रही है, तब तक हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें बबल्स के अंदर कितनी ऑक्सीजन पहुंचानी है। उसी रेशियो में तो पहुंचाइएगा जितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट है, कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र। अब क्यों कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र के बारे में कह रहा हूँ, इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि कन्वेक्टिव और डिफ्यूजिव मास ट्रांसफ़र क्या है, और उसमें मैंने बताया भी था कि कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र जो है जब चीज़ें मोशन के अंदर होती हैं, मोशन के अंदर रहती हैं, तब हम लोग जो मास ट्रांसफ़र देखते हैं वो कन्वेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इम्पेलर वगैरह लगा हुआ है, सारा जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो पूरा मोशन में है, एक जगह से दूसरी जगह पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र के ज़रिए ही हो रहा है। चलिए अब इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं और एक डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम जो है ये आपका पाथफाइंडर में भी मौजूद है। पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिए। ये क्या है, ये आपकी फेज़ बाउंड्री है। जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस देखा था तो उसमें हम फिल्म थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात भी किए थे।
फिल्म थ्योरी का क्या मतलब है? फिल्म थ्योरी का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी दो चीज़ों की, दो या दो फेजेस की बाउंड्री बनती है, तो उसके अंदर और उसके बाहर फिल्म्स बन जाती हैं। ज़रा देखिए अगर मैं इसको सही बना सकता हूँ तो। ये देखिए, सपोज करिए ये क्या है, ये एक बबल, सपोज करिए इसको एक बबल है, बबल है। अब बबल के अंदर भी एक बाउंड्री होगी जो कि, अब बबल के अंदर भी एक फिल्म होगी जो कि किस चीज़ की होगी, गैस फेज की होगी। ज़रा इसको बना करके देखते हैं। ये हम लोगों ने बना ली किसकी बाउंड्री, बना ली गैस फेज की। ठीक है, अब ज़रा एक और बाउंड्री बना लेते हैं बाहर की तरफ, जो कि हमें क्या दिखाएगा, जो कि हमें दिखाएगा कि ये लिक्विड की बाउंड्री है। ज़रा देखिए, चलिए ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए ये कौन सी, ये कौन सा फेज हो गया जी, ये आपका फेज हो गया लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज की बाउंड्री हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक जो क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपकी लिक्विड फेज की बाउंड्री हो गई, लिक्विड फेज। और ये अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो ये क्या हो गया, गैस फेज। ठीक है जी, तो अब यहाँ के इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन पाई जा रही है। अब हमें क्या देखना है, हम चाहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है साहब, ये ऑक्सीजन निकल करके बाहर यहाँ कहीं आ जाए। ठीक है जी, तो हमें क्या देखना है कि भाई ऑक्सीजन यहाँ के अंदर है, यानी कि सपोज करिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन अंदर की तरफ पाया जा रहा है वो CAG पाया जा रहा है, गैस फेज के अंदर जो ए कंपोनेंट, यहाँ पे ए कंपोनेंट आप समझ लीजिए ऑक्सीजन है, ए कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन गैस फेज के अंदर पाया जा रहा है वो सी पाया जा रहा है, और जो ये फेज बाउंड्री के अंदर पाया जा रहा है वो CAGI पाया जा रहा है। अब आपको पता ही होगा कि फेज बाउंड्री पे इक्विलिब्रियम रहता है, हालांकि इसके दोनों साइड में जो ये लेयर्स मैंने बनाई हैं ये भी ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट ही रहती हैं, बट अभी हमें काम है कि फेज बाउंड्री जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहती है। अब देखिए आपको एक सी साफ चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन CAG है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, CAGI। तो ये कंसंट्रेशन में डिफरेंस है जी, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, और कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो प्रोसेस तभी होगा जब उसको कोई फोर्स ड्राइव कर रहा हो। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ड्राइव कर रहा है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो है वो मेजर फोर्स है जो इसको चला रहा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना है अगर हम लोग देखें, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ है, ये बबल के अंदर की बात है और ये जो है ये फेज बाउंड्री पे है। तो चलिए इसको कंसंट्रेशन डिफरेंस देखते हैं कितना है। कंसंट्रेशन डिफरेंस है CAG माइनस CAGI, यही तो है कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये आपका हो गया कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये हो गया कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो ये मेरा जो फोर्स है जिस, जो इसको प्रोसेस को गाइड कर रहा है वो है। अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ कि जो रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र है इन द गैसियस फेज, गैसियस फेज के अंदर जो रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र है वो कैसे है, तो मैं कैसे लिखूँगा, NAG इज इक्वल्स टू KG इनटू CAG माइनस CAGI। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, आपने पिछले उसमें कन्वेक्शन में मैंने ये समझाया था, कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र के अंदर मैंने समझाया था कि रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र जो होता है वो आपके एरिया के भी प्रोपोर्शनल रहता है और आपके कंसंट्रेशन डिफरेंस के भी प्रोपोर्शनल रहता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक हम पहुँच गए, देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए।
अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से यानी कि अब हमें इस फेज बाउंड्री के आगे लेकर के जाना है, कहाँ पे, लिक्विड फेज में, फेज बाउंड्री के आगे लेकर के जाना है लिक्विड फेज में। यहाँ पे चीज़ें क्या है, अगर आपने ये तो कंसंट्रेशन डिफरेंस है मैंने बता ही दिया आपको, ये वाला पूरा, ये आपका एरिया हो गया और ये आपका क्या है केजी, और केजी के बारे में मैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा आपको। अब हमें आगे चलना है, चलिए देखते हैं एन ए एल, यानी कि अब यहाँ से ए का ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं लिक्विड में। एन ए एल इज इक्वल्स टू के एल इंटू ए, और फिर से कंसंट्रेशन डिफरेंस को हमको ले लेना है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे ये हायर कंसंट्रेशन है सी ए एल आई और ये लोअर कंसंट्रेशन है सी ए एल। तो देखते हैं सी ए एल आई माइनस सी ए एल आई माइनस सी ए एल, तो ये मेरा दो स्टेप में मैंने निकाला है, कैलकुलेट किया है कि आखिर रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र कितना होगा। ये वाला जो है वो लिक्विड के अंदर होगा, ये वाला जो है वो आपके गैसियस फेज के अंदर होगा। एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, ये इतनी आसानी से ये फॉर्मूला नहीं आता, काफ़ी मैथमेटिकल हमें डेरिवेशन करनी पड़ती है, वो सारा का सारा मैंने बाईपास कर दिया है ताकि मैं सिंपल रख सकूँ कॉन्सेप्ट, और हमें एक्चुअल में जो मतलब है वो इन इक्वेशन से मतलब है, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया, उतना ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको कम से कम ये इक्वेशंस तो ज़रूर याद रखनी है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको केजी और केएल के बारे में पता रहना चाहिए, यहाँ पे केजी क्या है जी, केजी आपका है गैस फेज मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट। मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, और केएल क्या है, बिल्कुल सेम हो जाएगा यहाँ पे, बस आपको लिक्विड फेज कर देना है, मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट। तो ये हमारा समझ में आ गया होगा आपको कि रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र, ए का मास ट्रांसफ़र, यहाँ पे ए की बात हो रही है, तो ये रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र ऑफ ए थ्रू गैस बाउंड्री लेयर, ये पहला वाला जो है ये आपका गैस बाउंड्री लेयर के लिए था, और ये है आपका जो दूसरा वाला निकल के आया रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र है थ्रू लिक्विड बाउंड्री लेयर, ये गैस बाउंड्री लेयर के लिए था, ये लिक्विड बाउंड्री लेयर के लिए है, बस इतना अंतर है दोनों में। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात ज़रूर आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ एजम्पशन लिए गए थे, अच्छा नेक्स्ट फिगर मैंने, और थोड़ा सा कलरफुल ये फिगर है, आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो वाइट वाइट है जी, ये पूरा गैस साइड है और ये बाहर लिक्विड है, ये बाहर लिक्विड साइड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब इनको ट्रैवल करना है लिक्विड के अंदर जाना है सपोज़ करिए, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये बाउंड्री जो है वो गैस लिक्विड इंटरफेस पड़ जाती है, और इसको लिक्विड के अंदर आना है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा वो मैंने आपको अभी यहाँ पे पीछे समझा दिया। कुछ एजम्पशन है इस प्रोसेस के लिए, वो आपको देख लेने चाहिए कुछ एजम्पशंस को, ये एजम्पशंस क्या क्या हैं जी। सबसे पहला एजम्पशन तो है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स एग्जिस्ट्स बिटवीन, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स बिटवीन, या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन के बजाय अगर हम एट लिख दें, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट सी ए जी आई एंड सी ए एल आई, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सी ए जी आई और सी ए एल आई, ये जो है ये क्या है, ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में ही हैं, बट आप समझ सोच रहे होंगे कि ये कंसंट्रेशन इधर और ये कंसंट्रेशन इधर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसा क्यों हो सकता है भाई। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। अगर कोई एक कंपोनेंट हम ए बोल रहे हैं, कोई कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, एक के अंदर कम सॉल्युबल है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, मैंने समझाया भी था उसको लास्ट फिल्म थ्योरी जब हम समझ रहे थे, तो
तो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैंने समझा ही दिया आपको। अब जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो डाइल्यूट कंडीशंस में, डाइल्यूट कंडीशंस में, अब आप सोचिए कि जो कंसंट्रेशन अगर गैसियस फेज में, गैसियस फेज का कंसंट्रेशन ऊपर जाएगा, यानी कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो लिक्विड के अंदर भी तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो लिक्विड के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी या इंटरफेस पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो हम उसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सी ए जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल आई, ये लिख सकते हैं। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटा दीजिए तो सी ए जी इज इक्वल्स टू एम सी ए आई, ये हो जाएगा। यहाँ पे एम क्या है जी, एम है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। एम क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, एम इज़ इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा आपके जो ये रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र है थ्रू द गैस गैसियस लेयर या थ्रू द लिक्विड बाउंड्री लेयर या गैस बाउंड्री लेयर, दोनों पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, के जी क्या है, के एल क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेम ये इस प्रोसेस को और डिटेल में जब हम अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम लोग सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठ सकता है, वहाँ से भी पूछा जाता है अक्सर कि लिमिटिंग स्टेप क्या होगा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे, क्योंकि मोर और लेस काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं हम बायो प्रोसेस में। तो अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी देखे जाएंगे अगले कुछ सेशंस में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।